हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सियाराम। वेलकम टू द मॉडर्न इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलना आसान है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने स्पोकन इंग्लिश की 21 डेज की सीरीज स्टार्ट की है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सभी लेवल के सेंटेंस मेकिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश क्या है, कैसे बनी, इंग्लिश में कितने फैक्टर होते हैं, अभी तक आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए और अब आप इंग्लिश को कैसे बोलना सीख सकते हैं आसानी से कम समय में, जल्दी से बोलना कैसे सीख सकते हैं, ये हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं और देख लिया है तो वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग सेकेंड। तो गाइस देखिए, हमें इंग्लिश में बात करना सीखना है, आप इंग्लिश में स्पोकन करना चाहते हैं राइट। अब देखिए स्पोकन कैसे करेंगे और जरा से सीखने की कोशिश करें। देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश की या किसी भी भाषा में, जब हम बात करते हैं तो बात केवल दो माध्यम से करते हैं जनरली। अगर हम वर्बल बात करें, ओरल बात करें, मौखाग्र बात करें, तो दो प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से, या तो हम शब्दों के माध्यम से बात करते हैं या फिर हम सेंटेंसेस के माध्यम से बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, स्पीकिंग के बारे में हम लोग बात करें, तो इसके बारे में बात करें गाइस, स्पीकिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्पीकिंग के बारे में हम बात करें, तो बात कितने प्रकार से हो सकती है, बात हो सकती है केवल दो प्रकार से। या तो हम वर्ड्स की हेल्प से बात कर सकते हैं, किसकी हेल्प से बात कर सकते हैं, वर्ड्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो आप क्या कहेंगे, यस। या आप कहेंगे नहीं सर मुझे नहीं सीखना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब सीखना है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से आपको मना करना पड़े तो आप कहेंगे नो। तो बेसिकली या तो हम शब्दों के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन क्या हम शब्दों के माध्यम से 100% बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, यस नो, तो क्या यस नो में आंसर देंगे या एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर मैं इंग्लिश इसीलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात करने की स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव और एनहांस माय कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा कुछ नहीं। तो जब हम बात करते हैं तो बात हम केवल दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं या फिर हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा अभी आपसे, आर यू रेडी, लिख भी देता हूँ सेंटेंस को, मैंने आपसे पूछा आर यू रेडी, क्या पूछा मैंने आपसे, आर यू रेडी, क्या तैयार। तो इसका आप किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, आप बोल सकते थे यस, या पूरा आंसर भी दे सकते थे, आप कह सकते थे आई एम रेडी, यस मैं तैयार हूं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर हमें बात करना सीखना है तो हमें दो प्रकार की चीजें सीखना पड़ेगा, एक हमें अपना शब्दों का नॉलेज बढ़ाना है और दूसरा हमें सेंटेंस मेकिंग सीखना है। अभी आपकी शब्दों की नॉलेज काफी लिमिटेड होगी, तो हम इस सीरीज में क्या करेंगे, शब्दों का नॉलेज को बढ़ाएंगे ताकि आप किसी भी व्यक्ति की बात को समझ पाए। चाहे आप फॉरेन टेलीविजन देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर कुछ वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं इंग्लिश में, तो समझने के लिए आपको क्या है, वर्ड बार बढ़ानी पड़ेगी। और मान लो समझ में आने लग गया, अब आपको रिवर्ट करना है, तो या तो हम शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन जो बहुत लिमिटेड है, अच्छे से फॉर्मली अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देना तो हमें सेंटेंसेस मतलब वाक्यों के माध्यम से देना पड़ेगा, यस नो। अब तो कुल मिलाकर हमें दो चीजें सीखना है, वर्ड सीखना है और सेंटेंस। शब्दों से रिलेटेड दो बातें सीखना है हमें, क्या सीखना है, एक तो शब्दों का हमें मीनिंग सीखना है, क्या सीखना है गाइस, मीनिंग, शब्दों का मतलब सीखना है। और अच्छी इंग्लिश आपके साउंड तब करेगी जब आपके उच्चारण करने की कला अच्छी होगी, आपकी प्रोनंसिएशन स्किल्स अच्छी होगी। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, मीनिंग सीखेंगे, शब्द सीखेंगे, उनकी सही प्रोनंसिएशन सीखेंगे और हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग। तो आओ जरा सीखना शुरू करें, शब्द भी सीखेंगे और सेंटेंस मेकिंग भी सीखेंगे। तो सेंटेंस में क्या आएंगे, वर्ड्स, तो वर्ड भी सीखेंगे और सेंटेंस भी सीखेंगे। आओ जरा आज से हम सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं। तो आज से हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है स्पोकन इंग्लिश सीरीज का, एकदम जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक चल रहा है। तो आज हमारा सेकंड वीडियो हम क्या सीख रहे हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस बनाना। क्या सीखने वाले हम लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस बनाना, कि सेंटेंस बनता कैसे। ठीक है, क्या होता है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता हूँ, क्या देता हूँ, स्टैंडर्ड, जो 99% केस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं कि सेंटेंस ऑन एन एवरेज कैसा होता है, जनरली
वाक्य होता है इंग्लिश में वो कैसे होता है। सामान्य तौर पर या जनरली अगर हम देखें तो वाक्य में या सेंटेंस में तीन एलिमेंट होते हैं। सेंटेंस के कितने एलिमेंट होते हैं? तीन। सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जनरली अगर हम बात करें सेंटेंस का, जो पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो हो सकता है एक डूअर। गाइस अगर आपको टेंस नहीं आते हैं, वॉइस नहीं आता, नरेशन नहीं आता, कुछ नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। हम आज से, अभी से और इस वीडियो के माध्यम से इसको इंग्लिश शुरू कर सकते हैं। अब बिल्कुल आप फोकस हो जाइए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है और हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, सेंटेंस या वाक्य को बनाना सीख रहे हैं। वाक्य का जो पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं गाइस? डूअर। अब आप में डूअर क्या होता है? डू मतलब होता है करना, तो करने वाला कौन हो गया? डूअर। अब हम इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, राइट? अगर हम इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं तो बात करने के लिए बताइए मिनिमम कितने लोग चाहिए? बात करने के लिए मिनिमम दो लोग चाहिए। कौन कौन चाहिए? एक बोलने वाला मतलब स्पीकर, और एक सुनने वाला वो कौन हो जाएगा? लिसनर। बोलने को हम क्या बोलते हैं? स्पीक। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। और सुनने को क्या बोलते हैं हम लोग? लिसन, राइट? तो बोलने वाला कौन हो जाएगा? बोलने वाले को हम लोग बोलेंगे स्पीकर, और सुनने वाले को हम लोग बोलेंगे लिसनर। बात समझ में आ गई? तो जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जब हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में बात करना सीख रहे हैं, तो हम अपनी बातों को किसके माध्यम से सीखेंगे? किसको ध्यान में रखकर सीखेंगे? स्पीकर वक्ता बोलने वाला, और लिसनर श्रोता मतलब सुनने वाला। बात समझ में आ गई? तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे सेंटेंस का? हमेशा कौन हो जाएगा? डूअर। कौन हो जाएगा? डूअर। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग सीखते हैं सेंटेंस का दूसरा पार्ट या दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, अच्छा पता सेंटेंस बनाना क्यों? क्योंकि हमें बात करना है। बात अगर हम जब भी करेंगे तो बात हमेशा, जब भी कोई बात करेंगे, समय हो रहा हो 5 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं, या तो हो सकता है जो घटनाएं अभी चल रहे हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, या तो वो घटना जो पहले बीत चुकी है उनके बारे में बात कर सकते हैं, या जो घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हैं उनके बारे में लोग बात कर सकते हैं। यस सुनो, तो बेसिकली जब भी हम बात करेंगे हम तीन में से एक समय के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी चीज जिसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं गाइस? टाइम। टाइम आप समझते हैं एक समय वो जो निकल गया है, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं गाइस? पास्ट। अगर टाइम के बारे में बात करें तो जो समय निकल गया है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट। जो समय अभी चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गाइस प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। और जो समय अभी आया है, आने वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं गाइस? फ्यूचर। क्लैरिटी आ रही? जो समय चल रहा है प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो आने वाला है उसे फ्यूचर या भविष्य बोल सकते हैं। क्लैरिटी आ रही? अभी हम इंग्लिश में बात करना सीखते हैं, सीख रहे हैं, और बात करने के लिए सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है, और सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो कौन होता है? डूअर, बोलने वाला या सुनने वाला। क्लियर है? बोलने वाला अपने आप को मैं बोलता है, और मैं को इंग्लिश में लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। और जो लिसनर हमारे सामने होता है, सुन रहा होता है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं आप, और इंग्लिश में बोलेंगे यू, मतलब तुम या आप। आप ज्यादा सम्मानजनक शब्द है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। We must use you, right? तो पहला चीज हो गया डूअर। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा मैंने आपको बताया समय। एक ऐसे वर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी जो हमें समय के बारे में बताएगी। हम कल की बात कर रहे हैं बीते हुए, या आज की बात कर रहे हैं, या आने वाले पल की बात कर रहे हैं, तो दूसरा हमें क्या बताना पड़ता है? टाइम। और टाइम का जो चीज बताएगा, तो टाइम को बताने वाले शब्द को हम कहेंगे टाइम वर्ड। क्या कहेंगे? टाइम वर्ड। तो डूअर समझ में आ गया, अब सीख रहे हैं हम लोग टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड के तीन प्रकार के होंगे, एक पास्ट का टाइम वर्ड होगा, एक प्रेजेंट का होगा, और एक फ्यूचर का होगा, फ्यूचर के बारे में बताया। यस सर। अब आप कहेंगे ये टाइम वर्ड कितने होते हैं? देखिए टाइम वर्ड होते हैं इंग्लिश में 24। देयर आर 24 टाइम वर्ड्स इन इंग्लिश। यहां तक क्लैरिटी है? टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमें समय के बारे में बताते हैं, ठीक है? दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जो आपसे बनाना ना है।
और अगर फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस टाइप का सेंटेंस मुझसे नहीं बनता। तो इस वीडियो में हम मास्टर करने वाले सेंटेंस, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, आइए जरा हमसे सीखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज हमने सीखी टाइम वर्ड। अब देखिए मैंने कहा था सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट आपको समझ में आ गए, ड्यूअल और टाइम वर्ड। 66% टू थर्ड बात आपको समझ में आ चुकी। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी वाली बात, इस पर बात करते हैं हम लोग। तीसरी वाली बात का हम बात करते हैं, इस सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आइए जरा इसे लिख देते हैं। देखो हम क्या सीख रहे हैं इंग्लिश में, बात करना। बात करने के लिए दो लोग चाहिए, बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर। यस, जब भी हम बात करेंगे किसी के समय के बारे में बात करेंगे तो समय को बताने वाला जो शब्द होगा उसे हम टाइम वर्ड कहेंगे। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, बात कब करेंगे, जब कोई काम होगा तब हम बात करेंगे। यस, तो तीसरी चीज जो हमें सेंटेंस में जरूरत पड़ेगी एक्शन। आप देखिए लोग आपको फॉर्म जनरली कब लगाते हैं, जब उन्हें आपसे कुछ काम होता है। आप लोगों को फॉर्म कब लगाते हैं, जनरली आपको जब उनसे कुछ काम होता है। हालांकि हालचाल जाने के लिए पूछे ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली बातें कब, जब हम बात करेंगे बात कब होगी, जब कोई काम होगा। काम को हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एक्शन। अगर ग्रामर की भाषा में बात करें तो इसे वर्ब भी कहा जाता है। तो एक्शन क्या होती है, आओ जरा से सीख लेते हैं। एक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या हो गया, एक एक्शन है। आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनना क्या हो गया, एक्शन। बोलना क्या हो गया, एक्शन। क्लियर है? सो जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। तो हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो, लेकिन मैं वीडियो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और जिन्हें आती है उन्हें भी लाभ होने वाला है। एकदम क्लियर कट आपके सारे डाउट होने वाले हैं आउट बनेंगे। तो तीसरी चीज जिसकी हमें जरूरत है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया या वर्ब। जैसे मान लो जाने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जाने के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं गाइस, गो। आने के लिए क्या बोलते हैं, कम। राइट, सुनने के लिए क्या बोलते हैं, लिसन। डांस करने को इंग्लिश में क्या होता है, डांस। अपने आप में नृत्य करना अपने आप में क्या है, एक्शन। यस, अब देखिए डांस, लिसन, कम, गो, ये सारी चीजें क्या होती है, एक्शन। अब देखिए अब हो जाता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अभी देखो मैं क्या सीखा, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस के होते हैं तीन पार्ट। क्लियर हो गया क्या? आओ जरा अब सेंटेंस मेकिंग हम लोग शुरू करते हैं। अब बस आओ जरा से सीखते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डूअर, वेरी नाइस। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, बोलते रहिए। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा टाइम वर्ड, है ना, टाइम को बताने वाला शब्द लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, ये एक्शन। क्या लिखा जाएगा गाइस, बोलिए जरा, एक्शन। आई थिंक यहाँ तक क्लैरिटी आ रही होगी आपको। यस, सुनो, जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अब यहाँ से क्लास सही मायने में शुरू हो रही, क्योंकि अब आपको फंडामेंटल समझ में आ गए हैं, बेसिक से समझ में आ गए हैं। अब आपको बोलना शुरू आप लोग कर सकते हैं गाइस। हम इस सीरीज में टेंथ या वॉइस के माध्यम से नहीं सीख रहे, जो कि काफी बोरिंग भी हो जाता है कई बार। हम इस सीरीज में सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंग्लिश में बात करना सीखेंगे सिचुएशन के माध्यम से। पर डे मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, टोटल अगर देखा जाए तो 20 सिचुएशन होती है मोटा मोटा, राइट। तो हम पर डे हर वीडियो में एक सिचुएशन को सीखने की कोशिश करें, ठीक है जी। आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली सिचुएशन से। क्या है सिचुएशन, फर्स्ट या सिचुएशन वन, पहली सिचुएशन से हम सीखना शुरू कर रहे हैं, है ना। सिचुएशन क्या है, जब भी आपको बताना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब भी आपको बताना है कि कोई काम चल रहा है, जब भी आपको बताना है कि कोई काम चल रहा है, जब भी आपको बताना है कि कोई काम चल रहा है, ठीक है जी। तो हम इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। आओ जरा सीख रहे, देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, डूअर। बात करने के लिए तीन लोग चाहिए, दो या तो बोलने वाला या फिर सुनने वाला। बोलने वाला अपने आप को क्या बोलेगा, आई। कम ऑन गाइस, बोलने वाला अपने आप को क्या कहेगा, आई। तो मैं क्या यहाँ पर डूअर के लिए अपने आप के लिए आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सीख लिया, ठीक। हम बात करें प्रेजेंट मोमेंट की, किस मोमेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट मोमेंट की। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको बताना है कि कोई काम अभी चल रहा है, क्लियर हो गया। तो देखो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो डूअर कौन हो गया, आई।
आप काम करेंगे तो डूअर कौन हो गया, यू। जनरली बात करने के दो लोग चाहिए, बोलने वाला आई, सुनने वाला यू। क्लैरिटी होगी ठीक। अब बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें दूसरी चीज किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम वर्ड की जरूरत। अब देखो हम किस टाइम वर्ड के बारे में बात, हम किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम वर्ड भी कब के लगाएंगे, प्रेजेंट के लगाएंगे। आओ जरा सीखते हैं, प्रेजेंट का जो टाइम वर्ड होता है वो आई के साथ लगता है गाइस, एम। क्या लगता है, एम। और प्रेजेंट में यू होता है, यू के साथ जो टाइम वर्ड लगता है गाइस ये लगता है आर। क्या लग जाता है गाइस, आर। क्लियर हो गया, आप डूअर में लिखी है, बोलने वाला स्पीकर आई हो गया, लिसनर यू हो गया। आई के साथ हम एम लगाते हैं, ए एम, और यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं गाइस, एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आओ जरा इसे भी सीख लेते हैं। अगर हम बात करें एक्शन के बारे में तो देखो एक्शन के होते हैं कुछ फॉर्म, जैसे भगवान के फॉर्म होते हैं ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे ही एक्शन के लिए फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मान लो गो एक वर्ब, गो का मतलब जान, उसी सेकंड फॉर्म होती वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो। क्लियर है, लेकिन वर्ब की दो फॉर्म और होती है। कई बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं आई एन जी, फोर्थ फॉर्म हो गई मान लो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा देते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, तो फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो आप जरा सीखें सिचुएशन क्या है, जब हमें बताना है कि प्रेजेंट में वर्तमान में कोई काम चल रहा है, तो हमने डुअल लिया है, आई के साथ टाइम वर्ड क्या आता है, और जो एक्शन है मतलब क्रिया है इसकी फॉर्म कौन सी लगाएंगे, आई इधर उसी सीख लेते हैं। फॉर्म लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगा लेंगे आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा लेंगे हम लोग आई एन जी हम लोग लगा लेंगे। क्लियर हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे अभी कहना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कहना है मुझे, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। तो हो जाएगा आई एम, टीच में हम लोग लगा देंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे आई एम टीचिंग। मैं डांस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आई एम डांसिंग, मैं सुन रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आई एम लिसनिंग। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें लिसनर को कुछ कहना है कि आप इस काम को कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यू। यू के साथ प्रेजेंट में हम लोग लगाते हैं आर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, और मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को टीच, तो टीच में क्या लगा देंगे आई एन जी लगा देंगे। आपको बोलना कि सर आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, यू आर टीचिंग। क्या कहेंगे आप, यू आर टीचिंग। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आई होप बिल्कुल समझ में आ रही है, बड़े आसानी से आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, आप देखिए हमें अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया है। क्या सीख लिया, एक सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आएगा डूअर, फिर आ जाएगा टाइम वर्ड, और फिर आ जाएगा एक्शन। तो आप पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, यू आर टीचिंग। क्या हो गया गाइस, यू आर टीचिंग। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो बात करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, ठीक है। क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा, मैं बोलता हूँ आई एम डांसिंग, आई एम लिसनिंग, यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, ऐसे में तो मोनोटोनस बात हो जाएगी। बातों में जनरली अगर ध्यान से देखें तो क्या होता है, अच्छी कॉन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर होती है। क्या होती है, क्वेश्चन, एक कुछ पूछता है, दूसरा बताता है, फिर दूसरा पूछता है, पहला बताता है। तो अभी मैंने जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया था, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया था कि जनरली सेंटेंस बनाएंगे तो पहले डूअर आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा, और फिर क्या आएगी, एक एक्शन आएगा। यही सीखा हम लोगों ने, यस। लेकिन जैसे मैंने कहा आप पढ़ा रहे हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आप पढ़ा रहे हैं तो आई एम सॉरी गाइस, आप पढ़ा रहे हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ आर लगेगा तो टीच में लग गया आई एन जी, यस नो। लेकिन देखिए जब हम प्रश्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रश्न, क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है टाइम वर्ड। क्या आ जाएगा गाइस, टाइम वर्ड, वो शब्द जो हमें समय के बारे में बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा डूअर, जो काम को करने वाला है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी एक्शन। क्या आ जाएगी गाइस, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है, क्रिया होता है। आओ जरा से सीखते हैं।
शुरुआत में क्या गया गाइस आर, अगर मुझे पूछने कि क्या आप पढ़ा रहे हैं तो शुरुआत में क्या गया आर, फिर क्या जाएगा गाइस यू, क्योंकि आपके लिए क्या है यू, और पढ़ाने को क्या बोलते हैं टीच, तो इसमें रह जाएगा आई एनजी और क्वेश्चन मार्क। अगर लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं तो क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर यू टीचिंग क्वेश्चन मार्क नहीं, हम थोड़ा रेजिंग वॉइस में बात करेंगे आर यू टीचिंग, तो इससे क्या समझ में आएगा कि क्वेश्चन मार्क है, क्या पढ़ा रहे राइट हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आर यू टीचिंग, यहां तक समझ में आ रहा है, मैंने कहा कि आप सुन रहे हैं मुझे तो क्या हो जाएगा आर यू लिसनिंग। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जानना कंफर्म करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, कि आप समझ रहे हो, समझने के एक शब्द होता है अंडरस्टैंड, अपन एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं गेट, गेट का मतलब क्या होता है समझ, तो मुझे पूछना है कि क्या आप मुझे समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आर यू गेटिंग, क्या हो जाएगा गाइस आर यू गेटिंग, क्या यहां तक क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया अभी आपसे आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है, और आपको कहना हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे अपने आप को, क्या बोलेंगे आप भाई अपने आप को क्या बोलते हैं आई राइट, बहुत बढ़िया अपने आप को आपने कहा आई, अच्छा अपने लिए क्या लगाएंगे आप, तो आई के साथ क्या लगाएंगे एम, तो यहाँ पे लगा देंगे आप एम, तो क्या आई एम, समझने को क्या बोलते हैं गेट, तो गेट में लग जाएगा आई एन जी, तो आप क्या कह देंगे यस आई एम गेटिंग, यहाँ पे क्लैरिटी आ गई आपको, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कि आई एम गेटिंग, अब देखिए जरूरी नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव बात करें, हो सकता है कि मैं समझा रहा हूं और आपको समझ में ना आ रहा, सेंटेंस कैसे बनता हमने सीखा, सेंटेंस बनता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, ये सुनो मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया आई एम टीचिंग, क्या हो गया गाइस आई एम टीचिंग, जब हमें नेगेटिव बनाना होता है हमारे डियर फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं, ये जो टाइम वर्ड होता है ना इसी के तुरंत बाद हम लोग लगा देते हैं नॉट, क्या लगा देते हैं गाइस नॉट, जब हमें क्या बनाना हो, जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो टाइम वर्ड के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं नॉट, तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया आई एम टीचिंग, लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग, आपने कहा नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे I am not get में लगा देंगे ing, तो हो जाएगा I am not getting, क्या हो जाएगा guys I am not getting, hope यहाँ तक समझ में आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा I am not getting, one more thing I am not getting, question पूछने की क्या आपको समझ में आ रहा है, तो time word पहले you के साथ क्या लगेगा R, तो R पहले जाएगा you बाद में जाएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है are you getting, आपने कहा नहीं सर नहीं आ रहा समझ में, I am not getting, क्या कहा आपने आई एम नॉट गेटिंग, क्या यहां तक समझ में आ रहा है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, अब देखिए आपने कहा आई एम नॉट गेटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा आपको समझ में आ रहा, तो मैं कैसे कहूंगा यू आर गेटिंग, क्या हो जाएगा यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग, क्लियर हो रहा है, अच्छा अगर मैंने कहना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा यू आर नॉट गेटिंग, क्या हो जाएगा यू आर नॉट गेटिंग, अब देखिए यहां पे वर्ड है गाइस आर प्लस नॉट, क्या है गाइस आर प्लस नॉट, आर में हम नॉट लगाते हैं तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं अरंट, क्या कहेंगे गाइस अरंट, क्या कहेंगे अरंट, तो अगर आपने कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कहा आई एम नॉट गेटिंग, मैंने पूछा क्या आपको समझ में आ रहा है आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो आर की जगह पर क्या लगा देंगे अरंट, क्या लगा सकते हैं अरंट, अरंट यू गेटिंग, नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अरंट यू गेटिंग, क्लियर हो रहा है, तो जो हमें नेगेटिव फील वाला क्वेश्चन करना है तो आर में नॉट लगा देंगे, कोई गाना सुना होगा आपने सुन रहा है ना तो अपन क्या कर सकते हैं aren't you listening, क्या हो जाएगा aren't you listening, क्लियर हो जाएगा, फिर आगे क्या गाता है वो रो रहा हूं मैं, अब मैं आगे तो मैं के लिए क्या आएगा डूअर, मैं के लिए डूअर आएगा आई, आई के साथ क्या जाएगा am, और रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और वोकैबुलरी सीख लेते हैं वर्ड पार्ट बन जाएंगे, आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा क्राई, क्या आ रहा होगा क्राई,
कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा वीक। एक वर्ड और सीख लेते हैं हम लोग, क्या होता है गाइस, तीसरा वर्ड हम लोग सीखते हैं सॉफ्ट, एस ओ बी सॉफ्ट, क्लियर। तो पहला वर्ड है हमारा क्या है वीक, क्या है गाइस पहला वर्ड वीक। गाइस वी तो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मजा जाएगा आप लोग देखने में, तो क्या मैं जी आगे बढ़ना चाहिए, उदित सर क्या बोलते हैं आगे बढ़ जाए? यस ओके बढ़ते हैं। सो अभी हम रोने के लिए शब्द सीख रहे हैं, तीन वर्ड है रोने के, एक है वीट, दूसरा है क्राई और तीसरा है सॉफ्ट। देखिए गाइस आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी सीख लेते हैं। रोने के लिए सारे शब्द हैं, आंसू या आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंसू को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टीयर, क्या बोलते हैं गाइस टीयर, क्या बोलते हैं गाइस टीयर। संस्कृत अगर संस्कृत वर्ड में लिखना तो आंसू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसू, है ना। हाँ जी, तो रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीट बोल सकते हैं, क्राई बोल सकते हैं, सॉफ्ट बोल सकते हैं। आंसू को इंग्लिश में बोलते हैं, आंसू को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं टीयर, गाइस क्या बोलते हैं टीयर। तो जब आप केवल आंसू के साथ रोते हैं, आप एक अपने बंद कमरे में बैठे हैं तो हो रहा है आपने रोना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं वीक कर, क्या कर रहे हैं वीक। लेकिन मान लो आप अकेले कमरे में रो रहे हैं और आपको लग रहा है बताओ मैं रो रहा हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, अब आप चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, आप थोड़ा आवाज भी कर रहे हैं, चार पांच लोग निकल कर आगे क्या हो गया कौन रो रहा है। तो जब आप क्या करते हैं टीयर तो है आपकी, टीयर मतलब आपकी आंखों में आंसू तो है, साथ ही साथ आवाज भी आ रही है, क्या आ रही वॉइस आ रही है, आवाज भी आ रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्राय। अगर आप इस तरह रो रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एम क्राइंग, क्या कहेंगे आई एम क्राइंग। लेकिन मान लो आप ऐसे रो रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है तो आप क्या कहेंगे आई एम वीपिंग, क्या कहेंगे आई एम वीपिंग। और मुझे कह रहा है कि आप इस तरह रो रहे हैं तो क्या कहूंगा यू आर वीपिंग, क्या हो जाएगा यू आर वीपिंग। होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, राइट। अब बढ़ते हैं, अब आप कहेंगे सर ठीक है सर आंसू के साथ रो लिए वीक हो गया, आंसू के साथ साथ थोड़ी आवाज निकाल दी तो क्या हो गया क्राय हो गया। सर ये सॉफ्ट क्या बताया, सॉफ्ट क्या चीज होगी, बड़ा आसान है सर। देखिए कई बार क्या होता है जब आप रोते हैं या आप चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं तो रोने की कैपेसिटी होती है कि आप 5 मिनट रोएंगे 10 मिनट रोएंगे, फीमेल है तो मैक्सिमम आधा घंटा रो लेंगे, उसके बाद आंसू खत्म हो जाते हैं और दुख भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब पूरा खत्म हो जाता है नहीं, जैसे कोई किसी ने पिन किया हाँ फिर क्या होगा था? फिर उसने क्या कहा था, तो एकदम से आपको जो दुख है ना फिर से निकल कर बाहर आ जाता है। अब आंसू तो खत्म हो गए, रोने की कैपेसिटी लगभग खत्म हो चुका, अब थक से गए राइट। अब देखिए अब आप कुछ इस तरह होते हैं समझाने के लिए, आपके मैंने बात सेट करने के लिए मैं इन मीनिंग्स को कुछ इस तरह समझा रहा हूं, क्योंकि एक दिक्कत ये भी है आपके से कई लोगों की दिक्कत होगी कि आप शब्द सीखते होंगे भूल जाते हो याद नहीं रहता हो, कई बार एक ही वर्ड को कई बार आप गूगल पर सर्च करते होंगे, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से शब्दों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको, तो बोलो कि मैं रो रहा हूं आई एम, आंसू के साथ रो रहा हूं तो आप क्या कहेंगे, मेरे बात बोलिए आई एम वीपिंग, बहुत बढ़िया। अगर आप रोने के साथ साथ आंसू के साथ थोड़ी आवाज भी करें तो आप क्या कहेंगे आई एम क्राइम, क्या कहेंगे आई एम क्राइम। और तीसरी चीज क्या होगी, अगर आपको कहना है अगर कहना है कि मैं सिसक सिसक के रो रहा हूं तो आप क्या कहेंगे आई एम सॉरी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब तीसरी चीज एक है उसे और हम लोग सीखने की कोशिश कर लेते हैं, आओ जरा सीखते हैं। देखिए गाइस क्या होता है, तीन दो वर्ड सीख लिए, बोलने वाला आए सर, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया आए, और आप लोग जो भी वीडियो में देख रहे हैं आप हो गए यू, क्लियर है क्या। हम दोनों के अलावा दुनिया में और लोग नहीं है, और भी लोग हैं थर्ड पर्सन, तो अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अगर हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ थर्ड पर्सन का नाम बदल देंगे राइट। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन लगा देंगे, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ जो टाइम वर्ड आता है गाइस, थर्ड पर्सन के साथ जो टाइम वर्ड आता है उसे हम लोग बोलते हैं इज, क्या लगाते हैं गाइस इज, और उसके बाद जो एक्शन आती है उसे अपन क्या लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं आई एम डी। फॉर्मूला तो आप नहीं भूले ना, फॉर्मूला क्या है हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, थर्ड डूअर आ जाएगा तो बोल दीजिएगा थर्ड डूअर, थर्ड डूअर कौन होगा, मैंने कहा वह, अगर ये लड़का है तो अपन क्या बोल देंगे ही,
अगर वो एक लड़की है तो अपन उसे क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे उसे शी, और अगर कोई एनिमल है तो उसके लिए क्या लगा देंगे गाइस, इट लगा देंगे। आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान है, नहीं लग रहा तो बना देंगे अपन। तो अगर मेल है क्या है गाइस, मेल क्या है गाइस, मेल। तो अगर वो क्या है गाइस, मेल है तो मेल, अगर मेल है तो अपन क्या लगा देंगे ही, फीमेल है तो हम क्या लगा देंगे शी, और अगर एनिमल है तो उसके सामने क्या लगा देंगे इट, और इन तीनों में से कोई भी हो सबके सामने टाइम वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमारी क्या आएगी इज आएगा, क्या आ जाएगा इज, और जो क्रिया है उसमें आगे नहीं लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा एक लड़का रो रहा है आंसू के साथ तो क्या कहेंगे, ही इज वीपिंग, क्या कहेंगे ही इज वीपिंग। शीतल नाम की लड़की रो रही है, रो भी रही है, आंसू भी निकल रहे हैं, आवाज भी आ रहा है, तो क्या कहेंगे शी इज क्राइंग, क्या कहेंगे शी इज क्राइंग। और मान लो डॉग, और वो रो रहा है, डॉग भी रोते हैं, उनकी भी फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, तो क्या कहेंगे इट इज क्राइंग। और अगर वो सिसक सिसक कर रोए, मैंने देखा तो नहीं है बट अगर लोग सिसक सिसक कर रोए तो क्या कहेंगे ही या शी इज सॉबिंग। और डॉग के सामने अगर ये कंडीशन होगी तो क्या कहेंगे इट इज सॉबिंग। ध्यान रखना है बी डबल हो जाएगा जब हम इस टाइप से लिखेंगे तो, है ना, तो हो जाएगा सॉबिंग, इट इज सॉबिंग। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार मैं उसे समाप्त कर देता हूं जल्दी से आपके लिए। अभी तक हमने सीखा एक सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस बनता है सबसे पहले आता है डूअर, फिर आता है टाइम वर्ड, और फिर आती है एक्शन। अब देखो आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि सर बहुत ही स्लो पढ़ रहा है। देखो गाइस मैं अपना बता दूं, जब मैं एक स्टूडेंट था ना मैंने टेंस को इतनी बार पढ़ा, लेकिन हर बार पढ़ता था भूल जाता, याद ही नहीं रहता। टीचर ने एक बार बताना है, वो चार्ट बना देना है, प्रेजेंट सिंपल, ये परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, समथिंग लाइक दैट, वो कभी माइंड में रजिस्टर नहीं होता। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार को बार बार रिपीट करके मैं बता रहा हूँ आप जल्द से। तो हमने क्या सीखा भाई, बात करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, बोलने वाला अपने आप को क्या बोलता है, बोलने वाला अपने आप को बोलता है आई, सुनने वाले को क्या बोलते हैं यू। अभी अपने थर्ड पर्सन भी सीख लिया, थर्ड पर्सन कौन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, और थर्ड पर्सन जनरली कौन होते हैं, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और थर्ड पर्सन अगर कुछ एनिमल वगैरह है, इंसेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो क्या लगा इट। आई के साथ हमने सीखा, आई के साथ लगाया जाता है एम, यू के साथ प्रेजेंट में क्या लगाया जाता है आर, और इन सब थर्ड वर्ड सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं एस, यहां तक क्लैरिटी है। और इनके साथ जो भी एक्शन आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगा देते हैं आई एन जी, क्या लगा देते हैं गाइस आई एन जी लोग लगा देते हैं, यहां तक क्लैरिटी आई, और जरा आगे बढ़ते। तो अगर आपको बोलना है, क्या बोलना है सर, मैं सीख रहा हूं, अगर सीख रहे हैं ना, सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लर्न, सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस लर्न। तो अगर आपको कहना है कि सर मैं सीख रहा हूं तो आप क्या कहेंगे आई एम लर्निंग, क्या कहेंगे आई एम लर्न। मुझे कहना है कि भैया आप लोग सीख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको बोलते हैं यू, यू के साथ प्रेजेंट में लगता है आर, सीखने को अगेन बोल देंगे लर्निंग। तो मुझे कहना है आप सीख रहे हैं तो हो जाएगा यू आर लर्न। अगर मुझे बोलना है कुलदीप सर सीख रहे हैं तो क्या कहेंगे, कुलदीप सर सॉरी कुलदीप सर इज लर्निंग। अब कुलदीप सर कौन है, मेल है, मेल के लिए क्या लगते हैं ही, तो हम बोल सकते हैं ही इज लर्निंग, क्या हो जाएगा ही इज लर्निंग, वैसा बोलिएगा ही इज लर्निंग। कोई फीमेल सीख रही होगी तो अपन क्या बोलेंगे, फीमेल मतलब महिला के लिए हम क्या लगा सकते हैं शी इज लर्निंग, क्लियर हो रहा है। मान लो डॉग, डॉग के लिए अपन क्या लगाएंगे इट, इट के साथ क्या लगाएंगे इज, और डॉग क्या कर रहा है भौंक रहा है, तो भौंकने की इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, क्या बोलते हैं बार्क, उसमें क्या लगा देंगे हम लोग आई एन जी, तो हो जाएगा इट इज बार्किंग, क्या हो जाएगा इट इज बार्किंग। तो आई होप आपको पहली सिचुएशन समझ में आ गई होगी। पहली सिचुएशन क्या थी हमारी, जब हमें प्रेजेंट में बताना है, क्या क्या थी पहली सिचुएशन, क्या है हमारी, जब हमें प्रेजेंट में बताना है कि कोई काम चल रहा है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया डूअर आई यू या कोई थर्ड पर्सन या वी मतलब हम,
टाइम राइट एसएमआर हो गया, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगा दे रहे हैं आई का, जब कोई काम चल रहा है। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यस, दैट इज ग्रेट। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको पहली सिचुएशन काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। यस सुनो, अब आपको करना क्या है, अब आपको जो आपने सीख लिया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करें आप अपने दोस्तों के साथ। आपको एक दोस्त देखा आपको झाड़ू लगा रहा है, उसे पूछना कि भाई झाड़ू लगा रहा है वो, तो क्या पूछेंगे? आर यू, क्वेश्चन पूछेंगे। जूते साथ क्या लगता है? आर। क्वेश्चन बनाने के पहले क्या लगाते हैं हम लोग? क्वेश्चन बनाने के पहले लगाते हैं अपन लोग आर। हम उसे पूछेंगे आर यू लगाएंगे झाड़ू, झाड़ू लगाने के क्या बोलते हैं? स्वीप। तो स्वीप में लगा देंगे आई एन जी, तो हो जाएगा आर यू स्वीपिंग। क्या आप मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्लियर हो रहा है? वो कहेगा हाँ मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। मैं नहीं सुन रहा हूं, आई एम नॉट लिसनिंग। इस टाइप से हम लोग क्या बना सकते हैं गाइस? क्वेश्चन वर्ड। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये काम करते हैं, यहां पर अपनी फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। अब इसके आगे की जो बात है, मतलब जो सेकंड सिचुएशन, टोटल कितनी सिचुएशन है गाइस? टोटल सिचुएशन है 20। और अभी हमने कितनी सिचुएशन सीखी है? आज हमने सीखी फर्स्ट, मतलब 90 सिचुएशन और बची हुई हैं, और एक एक करके हम सारे सिचुएशन में करेंगे मास्टर। आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब कितना समझ में आया है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं खुद पढ़ने के बाद आपको उनका कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, मजा आ रहा है आप लोगों को? अगर मजा आ रहा होगा तो जरूर कंटिन्यू करूंगा, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट देने की कोशिश करेंगे, इंप्रूवमेंट देंगे तो उन्हें भी इंप्रूव करेंगे। तो लेट्स मीट इन दी अदर वीडियो, इन सेकंड वीडियो। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, एंड कीप लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर मॉडर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस टाइम, बाय गाइस।